हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार जैसे कि आपको मालूम है, अगर आज का डेट में अगर आपको कोई भी गाड़ी लेना है 5 लाख के नीचे या फिर 5 लाख के ऊपर, तो यार मार्केट में तो काफ़ी सारा ऑप्शंस भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि यार महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा अभी सब चीज़ का जो प्राइस है वो इतना हाई हो गया है कि बजट में यार एक अच्छा कार मिलना एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो गया है दोस्तों। तो यार ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके हिसाब से आप इजीली, अगर आपका बजट 5 लाख है या फिर 5 लाख के नीचे है, तो यार मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि मार्केट में अभी जो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कौन सा लेने से आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा गाड़ी आपको सबसे अच्छा माइलेज देगा, फ्यूचर में रिलायबिलिटी कौन सा गाड़ी का अच्छा है। तो ये सारा चीज जो है मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा अच्छी तरह से, जिसके हेल्प से जो है आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि यार कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग कि आपका जो नीड क्या है, आपका यूजेज कैसे होने वाला है उसके हिसाब से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी ना करें वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले, अगर आपका जो यूज है वो प्राइमरीली सिटी में होने वाला है और अगर आपको एक अच्छा माइलेज देने वाला गाड़ी चाहिए जिसका जो ब्रांड है वो काफी वेल नोन हो, और साथ साथ आपका अगर इंजन भी आपको एकदम रिलायबल इंजन चाहिए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो यह सब लोग बोलेगा या फिर इनफैक्ट कि अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए इंडिया में, अगर एंट्री लेवल सेगमेंट का बात करेंगे 5 लाख के नीचे वाला सेगमेंट का, तो ऑल्टो 800 जो इस लिस्ट में टॉप में आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है एक कॉमन फैमिली कार चाहिए, आपका जो मेंबर है फैमिली का वो ज्यादा नहीं है, आपके लिए जो ये गाड़ी है वो बेस्ट हो सकता है दोस्तों। अभी का अगर प्राइस का बात करेंगे तो अराउंड जो है 4 लाख से ये स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे उसके हिसाब से जो आपको एक्सेसरीज इसमें और एड ऑन करके मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो अगर आपको एक छोटा सा डिसेंट फैमिली कार चाहिए तो आपके लिए जरूर से ऑल्टो बेस्ट हो सकता है। ये आपको अराउंड 20 का माइलेज दे देगा इजीली सिटी में, और अगर आप इच्छा अच्छे से चलाते हैं, हाईवे में चलाते हैं, तो जरूर से ये 20 से लेके 22 का भी जो है एवरेज दे देता है दोस्तों। तो काफी अच्छा गाड़ी है अगर आप एवरेज का बात करें, फ्यूल इकोनॉमी का बात करें, स्टोरेज इसमें थोड़ा सा कम मिलता है अगर हम लोग बाकी कंपटीटर से कंपेयर करें तो, लेकिन इस प्राइस में आपको जो है एक अच्छा ब्रांड वैल्यू देखने को मिलता है। अगर आपको जो फ्यूचर में इसे रीसेल करना है तो वो भी जो इसमें आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि सब लोग को मालूम है मारुति सुजुकी का जो ब्रांड है वो काफी बड़ा है इंडिया में, और रीसेल वैल्यू भी इसमें काफी ज्यादा फ्यूचर में देखने को मिलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बात करेंगे तो वो है रेनॉल्ट की तरफ से दोस्तों, रेनॉल्ट का क्विड, और ये भी अराउंड 4 to 4.5 लाख में स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर भी प्राइस जाता है, लेकिन यार वो बेस जो मॉडल है वो आपको अराउंड 4.5 लाख के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी जो है आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो कि ऑल्टो में आपको देखने को मिलता है, यानी कि 800cc कैटेगरी का इंजन देखने को मिलेगा। पावर का अगर बात करेंगे तो 53 bhp इसमें पावर दिया गया है, और ये गाड़ी इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका जो लुक्स है वो नया लगता है, मॉडर्न लगता है। अगर हम लोग जो इसे ऑल्टो की तरफ से कंपेयर करते हैं तो यार ऑल्टो से तो ये काफी ज्यादा अप टू डेट लगता है। तो अगर आप जो है टीनेजर हैं या फिर जो आपको एक मॉडर्न कार पसंद है जिसमें जो आपको LED DRS भी देखने को मिलता है, एक मॉडर्न लुक देखने को मिलता है, साथ साथ जो कंपनी है वो भी काफी अच्छा अच्छा ऑफरिंग्स दे रहा है इसमें, और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छा है इस गाड़ी का, तो आपके लिए जो है रेनॉल्ट क्विड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। पेट्रोल में ये गाड़ी आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया 53 bhp का पावर इसमें मिलता है जो कि सफिशियंट है सिटी राइडिंग के लिए। और अगर बात करें माइलेज का तो इसमें जो है आपको अराउंड 18 से लेके 20 के आसपास जो है माइलेज देखने को मिलता है। लेकिन यार ये जो कंपनी है वो काफी लोग जो है इसमें ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं है दोस्तों। अगर आप जो इसका पास्ट रिव्यूज देखेंगे या फिर जो लोग ने ये गाड़ी खरीदा है उनका रिव्यूज देखेंगे तो काफी अच्छा सब लोग ने बोल के रखा है, सब लोग को जो ये गाड़ी है वो काफी अच्छा लगा है, और वो लोग का जो यूजेज है उस पर जो ये खरा उतरा है दोस्तों। तो काफी अच्छा गाड़ी है, अगर आपका जो बजट है वो 5 लाख का नीचे है, एक मॉडर्न गाड़ी चाहिए, तो जरूर से जो है आप रेनॉल्ट क्विड की तरफ नजर उठा के देख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो गाड़ी है वो हम लोग बात करेंगे डैटसन की तरफ दोस्तों। डैटसन भी काफी अच्छा कंपनी है, और डैटसन की तरफ 5 लाख का नीचे आपको एक काफी अच्छा ऑफरिंग देखने को मिलता है। तो जो नाम है गाड़ी का वो है डैटसन का रेडिगो, अराउंड जो है 3,97,000 इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस है। इंजन का बात करेंगे तो इसमें भी जो है 799cc यानी कि ऑलमोस्ट 800cc का इंजन देखने को मिलता है। पेट्रोल में ये गाड़ी आता है दोस्तों, मैनुअल में ही आता है, ऑटोमेटिक में नहीं आता है। और अगर बात करें इसका पावर फिगर्स का तो इसमें भी आपको जो है 54 bhp का जो पावर है वो देखने को मिल जाता है। और इसका जो लुक्स है आप वीडियो में देख सकते हैं कि यार आपको जो किस तरह का लुक्स देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है ये गाड़ी, छोटा सा है। अगर आपको जो है पार्किंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला ये गाड़ी को लेकर, क्योंकि ये काफी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है, काफी छोटा मोटा में आ जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी इसका साइज में मत जाएगा क्योंकि इसमें जो है काफी
सारा नया फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि सामने की तरफ आपको जो है LED DRS का सपोर्ट, एक काफ़ी बड़ा ग्रिल देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से जो अगर आप देखें तो लुक्स मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको जो एक छोटे में फैमिली कार चाहिए लेकिन आपको लुक्स भी मॉडर्न चाहिए तो आपके लिए ज़रूर से ये जो Datsun का जो Redigo है ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी कार अंडर 5 लाख हो सकता है दोस्तों। तो फिलहाल यार इसका जो नया मॉडल, इसका जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का जो लुक्स आपको देखने को मिलता है Datsun का Redigo में दोस्तों। तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ हम लोग अगर चलते हैं तो अगर थोड़ा सा जो है आपको प्राइस हाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी जो अराउंड 5 लाख का जो एक्स शोरूम प्राइस के साथ आता है, तो अगर आप जो इसे ऑन रोड खरीदेंगे तो अराउंड 5.5 लाख के अंदर ये चला जाएगा। तो ये जो गाड़ी का नाम है वो है Hyundai का Santo दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, इंजन भी जो इसमें थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, 1086 cc का इंजन है, यानी कि 1086 cc का इंजन आपको मिलता है Hyundai का Santo में दोस्तों। अगर बात करें पावर फिगर्स का तो इसमें जो है 68 BHP का पावर देखने को मिलता है। पेट्रोल में ये गाड़ी आता है दोस्तों, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वर्जन्स में ये अवेलेबल है। और Hyundai का गाड़ी है तो यार आपको मालूम ही है कि यार बिल्ड क्वालिटी में अगर हम लोग बात करते हैं, इंजन रिलायबिलिटी में बात करते हैं, तो आप जो है दोनों ही साइड में आपको इसे टॉप नॉच देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें जो है पावर ज़्यादा है, तो उसके कारण हो सकता है कि आपको जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम मिले, अराउंड 16 से लेके 18 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिल जाए माइलेज। लेकिन यार कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको जो है इसके जो कंपनसेशन है उसके हिसाब में जो आपको एक अच्छा पावर देखने को मिलता है, एक अच्छा ब्रांड देखने को मिलता है, और साथ साथ इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा आपको Hyundai का जो Santo है उसमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका जो लुक्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक कॉमन फैमिली कार की तरह जो आपको इसमें लुक्स देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये भी जो आप अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको इसका लुक्स अच्छा लगता है, साथ साथ आपको थोड़ा सा पावर चाहिए, और हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो आपको काफ़ी अच्छा पावर जो है देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इसमें जो दोनों ही चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बोला मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है, तो ये ऑटोमेटिक होने के कारण आप जो सिटी में इसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली चला पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है सिटी में जो है बार बार गियर शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसके लिए यार ऑटोमेटिक गाड़ी में काफ़ी इजी रहता है, आपको बार बार जो गियर शिफ्ट करना नहीं पड़ता है। और सिटी के कन्वीनियंस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से अगर आप चाहते हैं गाड़ी लेना, तो आपके लिए ये जो Hyundai का Santo है ऑटोमेटिक वाला, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बात करेंगे तो Datsun की तरफ जो है एक और गाड़ी आता है जो कि अंडर 5 लाख आपको अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगा। ये जो गाड़ी का नाम है वो है Datsun का Go Plus दोस्तों। 4,26,000 इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, अराउंड जो 5 लाख ये टच करेगा ऑन स्पॉट। अगर आपको एक पावर गाड़ी चाहिए, आपको एक परफॉर्मेंस वाला गाड़ी चाहिए, और आपको जो स्पेस है वो काफी ज्यादा चाहिए, आपका जो फैमिली है वो काफी बड़ा है, लेकिन यार बजट उतना ज्यादा नहीं कि हम लोग जो है बड़ा SUV टाइप का गाड़ी ले, तो यार ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या आप वीडियो में देख सकते हैं कि यार किस तरह का जो है आपको ओवरऑल गाड़ी का साइज देखने को मिलता है। बाकी गाड़ियों से अगर हम लोग कंपेयर करें इस वीडियो में, तो ये गाड़ी में आपको सबसे ज्यादा साइज देखने को मिलता है। साथ साथ अगर बात करें इंजन का, तो इंजन भी आपको जो है इसमें काफी पावरफुल अराउंड जो है 1200 cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा, और इसमें भी जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करें इसका पावर फिगर का, तो यहाँ पे जो है 67 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है ये गाड़ी, जो कि काफी ज्यादा है अगर आप सिटी के लिए लेना चाहेंगे, या फिर अगर आपको एक टूरिंग के लिए गाड़ी चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए गाड़ी में, और साथ साथ जो Datsun का जो भरोसा है वो भी चाहिए, तो आप जो इस गाड़ी में नजर उठा के देख सकते हैं। प्राइस भी जो है इसका अराउंड 5 लाख टच करता है, तो आप जो इसीलिए इजिली इसे जो कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें दोस्तों। तो यही था थोड़ा बहुत एक लिस्ट जो कि मैंने आपके लिए बनाया। आप लोग यार जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए कि जितना भी गाड़ी मैंने आज का वीडियो में कवर किया, उनमें से आप जो है आपको कौन सा सबसे फेवरेट लगा, कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा, जरूर से मुझे ये चीज़ कमेंट करके बताएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जो है मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा, मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार में जितने भी मेम्बर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उनका ओपिनियन भी आपको मालूम चल जाए कि गाड़ी जो है उन्हें कौन सा पसंद आता है दोस्तों। तो यार ये वीडियो के लिए था दोस्तों, भी क्वेश्चन से क्वेरीज आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।